श्री महाभारत खिल्ल भागे नवमोध्याय वैवस्वत मनु यम यमी अश्विनी कुमारों एवं शनिचर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं शत्रु दमन कश्यप जी से दक्ष की पुत्री में विवस्वान उत्पन्न हुए और त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विवस्वान सूर्य की भार्या हुई। महात्मा मातंड की वित्र अंतकरण वाली भार्या भक्ति संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह रूप यवनशाली संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के मंडल के तीव्र तप तेज एवं दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतप्त होने के कारण झुलस सा गया, अतः वह सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। अदिति के ज्ञान में पढ़ने पर कश्यप जी ने स्नेह पूर्वक कहा था कि यह मरा नहीं है किंतु अंत गर्भ में स्थित है, इसलिए तब से सूर्य मार्तंड कहे जाते हैं। तात कश्यप के महात्म के कारण जीवित हुए युवस्वान में सर्दा अधिक तेज रहता है। उसी तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोकों को तपाते रहते हैं। कुरुवंशी राजन तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से दो प्रजापति और एक कन्या इन तीन संतानों को उत्पन्न किया। उनमें एक प्रजापति तो विश्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे और दूसरे प्रजापति श्राद्ध देव यम थे। इस तरह यम और यमुना नामक दो जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी। तंत्र संज्ञा ने सूर्य के कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देख करके उनके तेज को ना सह सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप वाली बना करके तैयार कर दिया। वह मायामयी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। नरेश्वर वह छाया संज्ञा को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोली, सुजिष्मते बताओ मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ अंगों वाली मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। तो संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर के रहो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और एक सुमध्यमा सुंदर कटी वाली कन्या है, इसका तो ध्यान रखना और इस रहस्य को भगवान सूर्य से कभी नहीं बतलाना। तो छाया ने कहा, देवी मेरे बाल पकड़े जाने तथा शाप देने की नौबत आने के पूर्व मैं ये बात किसी प्रकार भी नहीं कहूँगी, आप सुखपूर्वक अपने पिता के यहाँ जाइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर के और उससे तथा अस्तु कहे जाने पर वह तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता त्वष्टा के घर चली गई। पिता के पास पहुंचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा तथा उससे बार बार पति के पास ही जाने के लिए कहा। तब निंदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वह संज्ञा अपने रूप को बदल करके खोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देशों में जाकर के घास चरने लगी। उस दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा ही समझते हुए सूर्य देवता ने उनके गर्भ से अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किया। तात ये अपने बड़े भाई मनु के समान वरन तथा शांति वाले थे और उतने ही शक्ति वाले थे, अतः सावर्ण कहलाए। यही मनु हुए जिनका नाम सावर्ण मनु है। उस छाया से जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका तुम शनिचर समझो। वह पार्थिवी संज्ञा अपने पुत्र से तो अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतानों में नहीं था। मनु ने तो इस बात का सह लिया परंतु यम इसे नहीं सह सके। वे वसत यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण तथा होनहार भावों के वशीभूत हो संज्ञा को पैर दिखा करके डांटने लगे। राजन इस पर सावर्ण की माता ने अति दुखित होकर के कोप में भर करके उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारा ये चरण घिर जाए।
छाया संज्ञा के उस वाक्य से पीड़ित और शाप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर के यम ने हाथ जोड़ करके पिता से ये सब बात कह दी। वे पिता से बोले, मुझे ये शाप ना लगे। देखिए, माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर ये हम सबको छोड़ करके सबसे छोटे से ही स्नेह का व्यवहार करती है। सो मैंने उनके ऊपर पैर उठाया ही था, शीर पर मारा नहीं था। मैंने ये काम लड़कपन में किया हो अथवा मोहवश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दें। तो संज्ञा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी पूजनिया हूँ, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया है, अतः तुम्हारा ये पैर निस्संदेह गिर जाएगा। संतान तो कुसंतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर, माता ने मुझे शाप दे दिया है, परंतु तपने वालों में श्रेष्ठ गोपते, आपकी कृपा से मेरा पैर ना गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। तो सूर्य ने कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो, तुमको जो क्रोध चढ़ाया इसमें निस्संदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचन को सत्था तो लौटा नहीं सकता, पर महाप्रयाग, कीड़े तुम्हारे चरणों में से मां से लेकर के पृथ्वी पर चले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार तुम्हारी माता का कहा हुआ कथन भी सत्य हो जाएगा और शाप का परिहार होने से तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर हैं, तो भी तू किसी से कम और किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है? सूर्य ने ये बार 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 कही, तब वह हंसती ही रह गई और उसने सूर्य से कुछ भी नहीं कहा। गुरुनंदन, भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और शाप द्वारा उसका विनाश करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। तब अपनी शब्द के उतर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। सूर्य नारायण इस बात को सुनते ही क्रोध में भर करके त्वष्टा के पास पहुंचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा कि ये तो रोष से मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तब उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत करना समझाना आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य, आपका ये अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता, इसको ना सह सकने के कारण ही संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घासों को चर रही है। किरणों के स्वामी, आज आप हाथी की सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मिनी के समान व्याकुल हुई। शुद्ध आचरण वाली और योग के बल से संपन्न एवं योग से घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती हुई पत्तों का आहार करने वाली दुबली दीन जटाधारिणी और ब्रह्मचारिणी अपनी उस परिशंसनीय भार्या को देखेंगे। देवेश, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो शत्रु दमन मैं आज आपके रूप को मनोहर बना दूं। पहले सूर्य का ते एक रूप तिरछा ऊंचा और सब ओर से एक सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण ही वे विभावसु कहलाते थे। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा और उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। तब त्वष्टा ने मातंड सूर्य के समीप जाकर के उनको शान पर चढ़ा करके उनके तेज को खरादना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तेज के छिल जाने से उनका रूप खिल उठा और उनका रूप रम्य अति रम्य होकर के अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के मुख का रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मातंड के मुख से जो मुख राग छूटा था उससे बर आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता अर्यम्मा मित्र वरुण अंश भाग इंद्र विवस्वान पूसा दसवें पर्जन्य त्वष्टा बारहवें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे।
गंध पुष्प अलंकार और प्रकाशमान मुक्तों से शोभित अपने शीर से उत्पन्न हुए उन आदित्यों को देख करके भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण पूजन करके त्वष्टा ने उनसे कहा, देव अब आप अपनी पत्नी के पास चाहिए, वह उत्तर कुरु देश में भ्रमण कर रही है और हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचर रही है। तब सूर्य नारायण ने अपनी पत्नी के रूप के अनुसार घोड़े के समान विचरण करने के लिए घोड़े का ही रूप धारण कर लिया। उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा तो उन्हें तेज और नियम के कारण सब भूतों से अदृश्य घोड़ी का रूप धारण करके किसी और से भी भय की आशंका ना करके निर्भय होकर विचरती हुई अपनी भार्या संज्ञा दिख पड़ी। राजन, फिर तो घोड़े के रूप में भगवान सूर्य उनके मुख के समीप पहुंचे, पर वह पर पुरुष की आशंका से मैथुन के प्रति कूल चेष्टा करने लगी और सूर्य के वीर को उसने अपनी नाक पर से गिरा दिया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत, ये दोनों आठवें प्रजापति मार्तंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वरूपा संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया था। तंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप में दर्शन दिया। जन्मेजे तब वह स्वामी को देख करके बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने कर्म से मन ही मन बड़े दुखित रहते थे, अतः वे अपने धर्म राजत्व के अनुरूप ही धर्म युक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण उन महाकांतिमान धर्मराज को पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद मिला तथा वे तपस्या के धनी प्रजापति सावर्ण मनु हुए। वे सर्व सामर्थ्य सावर्ण भविष्य के आठवें मन्वंतर के मनु होंगे। वे आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इनके भाई शनिश्चर ग्रह बन गए और जिन नासत्य का वर्णन किया गया है वे स्वर्ग के वैद्य बन गए। वे उपासना करने वाले के घोड़ों को शांति देते हैं। उसी तेज की छीलन से त्वष्टा ने विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र बनाया। वह दानों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी जो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोगों को पवित्र करने वाली जमुना जी हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं और सावर्ण भी कहलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र और मनु के भ्राता जो शनिश्चर हैं, उन्होंने सब लोगों से पूजित ग्रह का पद प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की इस कथा को सुनता है अथवा मन में धारण करता है, वह आपत्तियों से छूट जाता है और बड़ा भारी यश पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वैवस्वत मनु आदि की उत्पत्ति विषयक नवा अध्याय पूर्ण हुआ।